नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और साथी, मैं आपको एक ऐसे बीमारी से रूबरू कराने जा रहा हूं जो हम लोग के यहां बहुत काफ़ी तादाद में फैला हुआ है। एक भी फसल ऐसा नहीं है, किसी का एक भी खेत बाकी नहीं है जिसमें मक्का का बुआई किया हो और उस पर इस बीमारी का अटैक न हुआ हो। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कि पत्ते का हालत कितना इन लोग बिगाड़ कर रख दिया है। और दोस्त, इतना ही नहीं, ये तो बाद का कंडीशन है। इससे पहले इन लोग जो मक्का का जो गाब होता है, ऊपर वाला जो कोपल होता है, जो बढ़ता है विकास की ओर, उसको देखिए किस तरह से ये काट करके इसको धज्जिया उड़ा कर रख दिया है। और दोस्त, आप लोग समझ रहे होंगे कि जब आगे बढ़ने वाला भाग ही जब रुक जाएगा तो पौधे का ग्रोथ तो एकदम फिक्स है कि नहीं बढ़ेगा। तो चलिए दोस्त, इस बीमारी को हमने एक मतलब थोड़ा सा कीटनाशक का प्रयोग किया था, तो मैं उसको ट्रायल बेस पर आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, मेरा इस तरह मक्का का प्लांट है और अगले प्लांट की ओर मैं दिखाता हूँ। ये भी मेरा ये दूसरा प्लांट है और साइड में ये वाला देखिए मेरा प्लांट है और आगे इस तरह से। कहने का मतलब है कि यदि आप पहले से सतर्क न रहे तो देखते देखते ये पौधे में कीट घुस जाते हैं और घुसने के बाद इनको बहुत ही जल्दी बर्बादी के कगार पर ले जाते हैं साथियों। तो चलिए, इस पर मैंने वेस्टी कंपोजर से बने हुए नीम के निम्बोली का मैंने जैविक कीटनाशक बनाया है और जैविक कीटनाशक बनाने के बाद उसको मैंने इस पर स्प्रे किया है। साथ ही दोस्त, बहुत सारे पत्तों को मैंने वेस्टी कंपोजर के माध्यम से उसके रस को निकाल लिया है और उसको मैंने इस पर स्प्रे किया है। तो अभी का कंडीशन कुछ कुछ दोस्त आप लोग को ठीक ही लग रहा होगा, लेकिन इससे पहले इसका हालत बहुत ख़राब था। तो दोस्त, इसको प्रैक्टिकल के रूप में मैंने एक मक्का को काट करके देखा है तो उसमें कीटों का अटैक नहीं मिला, मतलब अंदर कीट नहीं है। फिर भी दोस्त, मैं केवल एक ही मक्का से नहीं, मक्का का एक दो तना मैं और काट लूँगा जिस पर कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद फिर मैं उसमें जैसा परफॉर्मेंस मिलेगा उसके आधार पर मैं इसका अपडेट आप लोग को आगे वाले वीडियो में ज़रूर दूँगा। तो साथियों, इस बीमारी का अटैक आप लोग के यहाँ है या नहीं है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्त, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह से जानकारी पाने हेतु आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।